हेलो गाइस, मेरा नाम दीपाली पानीकर है और वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। सो आज मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कैसे हम लोग एग्जिस्टिंग सरफेस से प्रोफाइल व्यू क्रिएट करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट इट। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग सरफेस क्रिएट करते हैं, किसी भी कोई भी पॉइंट्स है हमारे। सो उस पॉइंट्स को लेकर हम लोग कैसे सरफेस क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद कैसे उस पर अलाइनमेंट बनाएंगे। सो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले इसमें अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हमारे प्रोफाइल व्यू की तरफ जाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग इसमें अलाइनमेंट क्रिएट कर देते हैं बाय यूजिंग अलाइनमेंट क्रिएशन टूल। यहाँ पे अलाइनमेंट में गए, देन अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, ये अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, अलाइनमेंट वन। हम लोग सेंटर लाइन क्रिएट कर रहे हैं इसलिए मैं सेंटर लाइन ले रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे मेजर एंड माइनर ओनली रख देती हूँ। ओके, देन ये हमारा अलाइनमेंट लेआउट टूल ओपन हो गया है, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल का। सबसे पहले यहाँ पे जाना है हमें, देन उसके बाद कर्व एंड स्पायरल सेटिंग पे। यहाँ पे अगर आपको स्पायरल चाहिए तो आप स्पायरल भी यहाँ पे टिक कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप वैसे ही रहने देना। अगर आपको कर्व की रेडियस चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो उसकी रेडियस चेंज। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट विद कर्व बना रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारी अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है। मैं इसकी स्पेसिंग, इसकी साइज कम कर देती हूँ, स्केल कम कर देती हूँ इसका। सो यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, ये हमारी अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है। देन इसके बाद हमें अभी इसका प्रोफाइल व्यू क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग होम टैब में हमारा जो पैलेट्स ग्रुप है, फर्स्ट हमारा पैलेट्स है, देन उसके बाद क्रिएट ग्राउंड डेटा है, देन क्रिएट डिज़ाइन में हमें सेकेंड रोम सेकेंड कॉलम में सेकेंड इसमें जाना है, रो में हमें सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे सेकेंड नंबर पे ऑप्शन दिखेगा अलाइनमेंट के नीचे प्रोफाइल करके, उसमें क्रिएट सरफेस प्रोफाइल करना है। तो ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सरफेस प्रोफाइल का। अगर आपने जो भी नाम दिया है अलाइनमेंट को, वो हमारा यहाँ पे नाम आ जाएगा, अलाइनमेंट वन करके हम लोगों ने अलाइनमेंट को नाम दिया था। अगर आप लोगों ने एक या फिर एक से ज़्यादा कोई अलाइनमेंट बना ली है तो आप यहाँ पे शो होता है, आप उसको सिलेक्ट करके भी यहाँ से प्रोफाइल व्यू क्रिएट कर सकते हो। हम लोगों ने सरफेस का नाम दिया था तो ये सरफेस सिलेक्ट सरफेस, हम लोगों ने सरफेस का नाम सरफेस ही दिया था तो सरफेस आ गया है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे है स्टेशन रेंजेस, अलाइनमेंट स्टेशन रेंजेस टू सैम्पल। तो यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे हमारा जो अलाइनमेंट है 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100 पे है। तो अगर आपको 0 प्लस 20 से लेकर 0 प्लस 60 तक ही हमें अलाइनमेंट बनानी है तो आप यहाँ पे ऑफसेट, यहाँ पे आप रेंज दे सकते हो उसका। अगर आपको पूरी अलाइनमेंट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से, जैसे यहाँ पे 0 से लेकर 0 प्लस 0 90 मीन्स इट्स 100 अप टू लाइक सो यहाँ पे पूरे ही अलाइनमेंट का प्रोफाइल व्यू क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको सम स्पेसिफाइड स्टेशंस तक प्रोवाइड करना है रेंज तो आप वो भी यहाँ से दे सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे सैम्पल ऑफसेट करके, अगर आपको लेफ्ट एंड राइट ऑफसेट भी प्रोवाइड करना है अलाइनमेंट का तो आप यहाँ पे, अगर आपका लेफ्ट होगा तो -25, अगर आपको 25 के ऑफसेट में चाहिए तो -25 ले सकते हो, राइट में भी चाहिए तो +25 ले सकते हो, आप यहाँ वैसे क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। देन हम लोगों का यहाँ पे, हम लोगों ने एक ही सरफेस लिया था जो हमारा सरफेस करके ही नाम था उसका, तो यहाँ पे हम लोग इसे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा सरफेस ऐड हो गया है। देन उसके बाद ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू, ये हमारा ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू का, क्रिएट प्रोफाइल व्यू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। उसमें सबसे पहला हमारा है जनरल, जनरल में सबसे पहला हमारा रहेगा सिलेक्ट अलाइनमेंट, कौन सी हम लोगों ने अलाइनमेंट ली थी, अलाइनमेंट वन।
प्रोफाइल वेव नेम, जिस हमारा प्रोफाइल वेव नेम हम लोगों ने यही रखा था पैरेंट अलाइनमेंट का। देन उसके बाद प्रोफाइल वेव स्टाइल, अगर उसका डिस्क्रिप्शन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो यहाँ पे। प्रोफाइल व्यू स्टाइल, आपको कौन सा प्रोफाइल व्यू स्टाइल चाहिए, बॉटम स्टैक व्यू, फर्स्ट व्यू, फुल ग्रिड व्यू। मुझे प्रोफाइल व्यू चाहिए तो मैं प्रोफाइल व्यू रख रही हूँ। अगर आपको ऑफसेट शो करना है तो आप ऑफसेट भी यहाँ से शो कर सकते हो, शो ऑफसेट प्रोफाइल बाय वर्टिकली स्टैकिंग प्रोफाइल व्यू। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है एक के ऊपर एक अलाइन, एक के ऊपर एक प्रोफाइल व्यू क्रिएट हो रहा है, वैसे ही आपको स्टैक पोर्शन में, स्टैक इसमें, स्टैकिंग के इसमें प्रोफाइल व्यू क्रिएट होगा एक के ऊपर एक। मुझे नहीं करना है तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट के बाद हम लोग आ गए हैं स्टेशन रेंजेस में। अगर आपको जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था प्रोफाइल में, तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी अगर आपको ऑटोमेटिक जीरो से ऑटोमेटिक रखूँगे तो ज़ीरो से लेकर जो पूरी हमारी अलाइनमेंट है उतना क्रिएट हो जाएगा स्टार्ट टू एंड तक। अगर आपको कुछ स्पेसिफाइड तक रखना है तो यूज़र स्पेसिफाइड रेंज आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे कुछ 0+20 से लेकर 0+60 तक देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पे नीचे में उसका व्यू देख रहे हो, वैसे आप क्रिएट कर सकते हो सम स्पेसिफाइड स्टेशन से लेकर। मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक रहने देती हूँ। देन नेक्स्ट, उसके बाद हमारा आ गया है प्रोफाइल व्यू हाइट। प्रोफाइल व्यू हाइट हमारा रहेगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में हमारा जो हमारा बाय डिफॉल्ट है वही आ गया है। अगर आपको हाइट चेंज करनी है प्रोफाइल की तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि हमारा जो डिफॉल्ट रहता है, जो हमारी प्रोफाइल व्यू की हाइट रहती है, नॉर्मली सभी जो हाइट्स रहती है वो लेवल पे रहती है नॉर्मली। बट जो सिविल 3D होता है उसमें डिफॉल्टली वो जो नॉर्मल हाइट होती है नीचे से वो लोग कट कर देते हैं, देन ऊपर में एलिवेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग स्पेसिफाइड सम देना चाहते हो, कुछ स्पेसिफाइड अगर आपको कुछ हाइट्स प्रोवाइड करनी है तो यूज़र स्पेसिफाइड से भी आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक रहने देती हूँ। अगर आप लोग यूज़र स्पेसिफाइड से देते हो तो उसके बाद आपको स्प्लिट प्रोफाइल व्यू का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट स्प्लिट प्रोफाइल व्यू में कौन सा व्यू चाहिए आपको, इंटरमीडिएट में कौन सा चाहिए, लास्ट स्प्लिट में कौन सा चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन उसके बाद उसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे जाके आप कलर भी एडिट कर सकते हो उसका। देन उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट स्टेशंस भी है, कौन से एग्जैक्ट स्टेशंस तक, प्रीवियस मेजर ग्रिड तक, प्रीवियस माइनर ग्रिड तक चाहिए वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। डेटम भी आपको ऑप्शन में है, एग्जैक्ट एलिवेशन में, प्रीवियस मेजर ग्रिड वाला, प्रीवियस माइनर ग्रिड वाला डेटम, वो भी आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे ऑटोमेटिक रहने देना है तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल व्यू हाइट ऑटोमेटिक रहने देती हूँ। देन नेक्स्ट, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया है प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन। ये हमारा प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन है। इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। देन यहाँ पे डेटा बैंड्स आ गया है हमारा। डेटा बैंड्स में हमको यहाँ पे कौन से इसमें बैंड्स चाहिए, कट एंड फिल में चाहिए, ईजी एफजी एलिवेशन एंड स्टेशन में चाहिए, या फिर कोई भी बैंड्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हो। मैं बाय डिफॉल्ट ईजी एफजी एलिवेशन एंड स्टेशन में रहने देती हूँ। यहाँ पे आपको लोकेशन, बॉटम ऑफ प्रोफाइल व्यू, आपको बैंड्स कहाँ पे प्रोवाइड करना है। अगर आपको ऊपर में प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ टॉप ऑफ प्रोफाइल व्यू भी कर सकते हो। मुझे नीचे में प्रोवाइड करना है तो मैं नीचे में ही प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हमारा। यहाँ पे हम लोग कट एरिया एंड फिल एरिया भी हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ये नेक्स्ट के इसमें ऑफ हो जाएगा, हमें ये इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जब तक हमारा यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो दिखना बंद नहीं हो जाता, तब तक हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे। देन उसके बाद हमारा क्रिएट प्रोफाइल व्यू करके आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे में कमांड लाइन में बोल रहा है क्रिएट प्रोफाइल व्यू सिलेक्ट प्रोफाइल व्यू ओरिजिन। हम लोग को यहाँ पे प्रोफाइल व्यू का ओरिजिन स्पेसिफाई करना है, तो हम लोग जहाँ पे भी इसको क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोफाइल व्यू क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका ओरिजिन कर रही हूँ, तो ये हमारा प्रोफाइल व्यू क्रिएट हो गया है हमारा इस अलाइनमेंट के लिए। आप देख सकते हो मैंने अलाइनमेंट वन नाम दी थी, प्रोफाइल को प्रोफाइल ने रखा था। देन उसके बाद ये हमारी अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है। ये जो हमारी अलाइनमेंट रहती है यहाँ पे, ये डायनेमिक
जो हमारा सिविल 3D है वो डायनेमिक व्यू की तरह एक्ट करता है। अगर हम लोग ये अलाइनमेंट को इसका अगर हम लोग ये जो टैंज ये जो कर्व है ये अगर उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो ये भी हमारा प्रोफाइल में भी डायरेक्टली चेंजेस हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो हमारा 0+099 पे है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, 100 पे कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। देन उसके बाद अगर आपको ये जो हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है अगर उसके स्टाइल में आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सबसे पहले हमें प्रोफाइल में क्लिक करना है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, देन उसके बाद राइट क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाना है हमको। तो ये हमारा प्रोफाइल व्यू स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, उसमें हमारा इंफॉर्मेशन में प्रोफाइल व्यू का नेम है। हम लोग प्रोफाइल व्यू को कुछ अगर नाम स्पेसिफाई तो आप वो भी कर सकते हो। देन उसके बाद ग्राफ है हमारा, कैसा हम लोगों ने ग्राफ दिया है, वर्टिकल स्केल हमारी कौन सी है, आप यहाँ पे वर्टिकल स्केल में चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ, 1 मिनट। जैसे ही मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगी वो आपको दिखेंगे हमारे ग्राफ में वर्टिकल स्केल में। अगर हम लोग वर्टिकल एग्जैग्रेशन, सॉरी मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा उसका बराबर, वर्टिकल एग्जैग्रेशन, ओके, यहाँ पे हम लोगों की हाइट जो है वर्टिकल एग्जैग्रेशन की वो 10 है। अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं जैसे हमारी 20 कर देते हैं, अगर उसको अप्लाई करते हैं तो हमारी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल की हाइट चेंज हो गई है। अगर मैं मुझे इसको 10 ही रखना है तो मैं 10 ही रहने देती हूँ उसको। देन इसके बाद अगर आपको करंट हॉरिजॉन्टल स्केल में कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते, यहाँ से कर सकते हो। वर्टिकल स्केल में आपको यहाँ से चेंजेस करना है तो आप स्केल भी चेंजेस कर सकते हो। देन कस्टम स्केल, कस्टम स्केल हम लोगों ने यहाँ पे वर्टिकल स्केल जो रखेंगे वो हमारी कस्टम स्केल आएगी। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा है प्रोफाइल व्यू डायरेक्शन, हम यहाँ पे हमारा है प्रोफाइल व्यू, यहाँ पे हमारा 0+00, यहाँ पे प्रोफाइल में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 0+00 से लेकर यहाँ पे 0+100 तक हमारा स्टार्ट हुआ है, सॉरी लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है हमारा 100 तक यहाँ पे। अगर आपको इसका व्यू चेंज करना है राइट टू लेफ्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। सो देन उसके बाद हमारा ग्रिड ऑप्शन है, ये इसमें जो हमारा प्रोफाइल व्यू स्टाइल है उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रिड मीन्स जो हमारा ग्रिड का डायलॉग बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ग्रिड ऑप्शन में जाएंगे, अगर हम लोग क्लिप ग्रिड वर्टिकल ग्रिड करेंगे, अगर आपको ये जो प्रोफाइल है हमारी उसको और उम्दा तरीके से बहुत अच्छे से शो करना है तो आप यहाँ पे यहाँ से ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी क्लिप वर्टिकल ग्रिड तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो वर्टिकल ग्रिड में। अगर मुझे यहाँ पे क्लिप हाईएस्ट प्रोफाइल मैं करती हूँ तो वो भी यहाँ से चेंज हो गया। ओमिट ग्रिड इन पैडिंग एरियाज यहाँ से चेंज हो जाएगा। क्लिप हॉरिजॉन्टल ग्रिड अब यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे चेंजेस हो रहा है हमारे प्रोफाइल में। देन इसके बाद हम लोग ग्रिड पैडिंग, हमारा जो मेजर ग्रिड है उसके लिए, जो हमारा मेजर ग्रिड्स है उसके लिए अगर आपको अबव मैक्सिमम एलिवेशन, अगर आपको लेफ्ट का एलिवेशन चेंज करना है तो आप लेफ्ट का कर सकते हो, राइट का चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो उसके।
वैसे ही हम लोग ऑफसेट में भी जाएंगे, अगर आपको ऑफसेट में भी कुछ चेंजेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा है टाइटल एनोटेशन। टाइटल एनोटेशन में हमारा, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे ग्राफ व्यू टाइटल हमारा है, अगर हम लोग टेक्सटाइल अगर हम लोग स्टैंडर्ड में रखते हैं तो स्टैंडर्ड में आएगा, अगर एनोटेटिव में रखते हैं तो एनोटेटिव में आएगा। देन उसके बाद टेक्स्ट हाइट हमें कितनी चाहिए वो भी आप यहाँ से शो कर सकते हो। एक्सिस टाइटल टेक्स्ट, हमारा जो टाइटल का टेक्स्ट है वो हम लोगों ने नीचे में प्रोवाइड करी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नीचे में है, अगर आपको राइट में प्रोवाइड करना है तो आप राइट में भी प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपको लेफ्ट में प्रोवाइड करना है तो आप लेफ्ट में कर सकते हो, टॉप में करना है तो टॉप में प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैं अप्लाई करने के बाद ओके कर दूंगी यहाँ पे सब चेंजेस हो जाएंगे, अगर जो भी आपने चेंजेस किया है। देन उसके बाद टाइटल पोजीशन, आपको अगर टॉप लोकेशन उसका टॉप में रखना है तो टॉप में रख सकते हो। जस्टिफिकेशन, अगर उसके आपको जस्टिफिकेशन है वो सेंटर में रखना है तो आप सेंटर में रख सकते हो, अगर आपको लेफ्ट राइट जिस भी तरह से आपको चेंजेस करना है आप कर सकते हो। एक्स में अगर आपका ऑफसेट 0 0 पे है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है सभी, वाई ऑफसेट हमारा 20 mm पे, अगर आपको इसके चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सेस, ये जैसे हमारा ग्रिड का ऑप्शन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे ही हमारे जो हॉरिजेंटल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा मेजर टिक डिटेल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा जो है ये हमारे हैं मेजर टिक्स, ये यहाँ पे जो ब्लू पे है शो हो रहा है ये हमारे मेजर टिक्स है, और जो ये हमारे यहाँ पे रहेंगे ये जो छोटे छोटे हैं हमारे वो हमारे माइनर टिक्स है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 का लिया है, 20 का मेजर टिक्स है, एंड यहाँ पे 5 का हमारा माइनर टिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इसके चेंजेस करने के लिए आपको एडिट प्रोफाइल वे स्टाइल में हॉरिजॉन्टल में जाना है। हॉरिजॉन्टल में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जैसे 0+0020 तक है, अगर आपको यहाँ पे चेंजेस करना है कुछ तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 10 का दिया तो 10 का आ जाएगा, देन माइनर टिक्स में हमारा 5 का था, 5 का दिया था मैंने तो यहाँ पे 5 का आ गया। अगर मैं यहाँ पे 20 रहने देती हूँ और मैं माइनर टिक्स 10 की कर देती हूँ वो आपको चेंजेस दिखाई देंगे यहाँ पे। अप्लाई, क्या आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रिड चेंज हो गया है हमारा माइनर वाला। अगर मैं यहाँ पे अगर 40 कर देती हूँ मेजर में तो ये भी चेंजेस हो जाएगा, आप देख रहे होंगे हमारा 0+20+40 हमारा 40 का चेंजेस हो गया है, बट मैं यहाँ पे 20 का ही रहने देती हूँ इंटरवल्स। देन वैसे ही टिक जस्टिफिकेशंस वगैरह है तो आपको जो भी यहाँ से चेंजेस करने आप कर सकते हो। अगर आपको जो टाइटल्स है वो बॉटम में शो करना है तो बॉटम में कर सकते हो, अगर टॉप में शो करना है तो आप टॉप में भी शो कर सकते हो। ये जो हमारा बैंड है नीचे का वो आपको टॉप में शो करना है तो आप टॉप में भी शो कर सकते हो, मुझे बॉटम में ही रहने देना है तो मैं बॉटम में ही रहने देती हूँ। देन इसके बाद वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस भी ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा है वर्टिकल एक्सिस में 106 108, यहाँ पे हमारा 2 का इंटरवल है, तो ये हमारे जो मेजर है वो हमारे 2 के इंटरवल्स में है और जो हमारे माइनर्स है वो 1 1 के इसमें है, यहाँ पे 1 देन यहाँ पे 1। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप वर्टिकल एक्सिस से कर सकते हो। मैं ये ग्रिड देन यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में, अगर आपको लेफ्ट में शो करना है तो लेफ्ट में, राइट में शो करना है तो राइट में, मैं बाय डिफॉल्ट रख रही हूँ। यहाँ पे इंटरवल्स में 2 का डिफरेंस दिया था, हमारा मेजर में 2 का था एंड माइनर में 1 का था। अगर यहाँ पे आपको चेंजेस करना है जैसे 4 में करना है तो आप 4 में भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 पे करना है तो आप 2 पे भी कर सकते हो। आप यहाँ पे चेंजेस
देख लूँगी कि कैसे हो रहा है हमारा। 104 है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 में किया था तो ये हमारा 4 का आ गया है। देन उसके बाद यहाँ पे 2 का हम लोगों ने मेजर माइनर लिया था डिफरेंसेस, तो माइनर डिफरेंसेस हमारा 2 में आ गया है। ओके, सो आप यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में भी चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद डिस्प्ले में है, अगर आपको डिस्प्ले में कुछ चेंजेस करना है, जैसे ग्राफ टाइटल बंद करना है तो आप बंद कर सकते हो, यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अगर आपको किसी लेयर को चेंज करना है तो आप लेयर को चेंज कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंजेस करना है किसी जैसे लेफ्ट एक्सिस का कलर चेंज करना है, या फिर आपको ये लेफ्ट एक्सिस टेक्स का कलर चेंजेस करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे वैसे ही रहने देती हूँ। देन समरी, ये हमारा एज यूजुअल समरी का पार्ट रहता है कि जैसे इसमें आप अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो यहाँ से। मैं इसको अप्लाई एंड ओके कर देती हूँ। ये था हमारा प्रोफाइल व्यू के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ बैंड शो करनी है, जैसे हम लोगों को यहाँ पे कट एंड फिल का बैंड शो करना है, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे गए, प्रोफाइल पे क्लिक किया, देन प्रोफाइल प्रॉपर्टीज, इसको राइट क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोफाइल का नेम आ जाएगा, इंफॉर्मेशन, देन प्रोफाइल कौन से इसमें चाहिए हमको, स्टेशंस है उसके, देन एलिवेशंस है हमारे, कैसे एलिवेशंस चाहिए प्रोफाइल में, देन बैंड्स है हमारे। अगर आपको इसके बैंड शो करना है, आपको कट बैंड शो करना है, यहाँ पे हमारा एलिवेशन का बैंड शो हुआ है बस, तो अगर आपको कट बैंड शो करना है तो प्रोफाइल व्यू में कट बैंड में गए, देन उसके बाद ऐड करना है यहाँ पे। ऐड के बाद हमारा ये ज्योमेट्रिक पॉइंट लेबल इन बैंड, ये हमारा शो हो जाएगा। देन इसको ओके कर देना है, इसको अप्लाई एंड ओके। तो आप यहाँ पे नीचे देखोगे कि आपका कट वाला जो बैंड है वो शो हो गया है यहाँ पे। वैसे ही आपको फिल वाला भी बैंड शो करना है तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट बैंड स्टाइल, हम लोग फिल बैंड में जाएंगे। अगर आपको ये जो हमारे बैंड है उसमें अगर आपको डिफरेंसेस नहीं चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे 0 0 पे कर सकते हो। फिल वाले इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, इसमें भी आपको डिफरेंसेस नहीं चाहिए तो हमारा जो गैप है उसमें 0 0 कर देंगे। ये हमारा कट एंड फिल का बैंड शो हो गया है। ये थी हमारी सरफेस से हम लोग कैसे प्रोफाइल व्यू क्रिएट करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।